रजा भाई का सूट ले लिया हमने, अब लेना आंटी का, चलते हैं नीचे। हाँ जी सही मिल गया, बड़ा अच्छा सूट है, हम मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मोहब्बत है मामा की रजा भाई के साथ स्पेशली। वो पता है वो मेरा बेटा है और आप ही बेटा लगता नहीं मेनू। आजो भाई बिस्मिल्लाह, हुए 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 निहायत सो क्या बिस्मिल्लाह। तुमने रिजा का आगे रखा है, तुम कसम खा लो। क्या खाऊं के यार, ये झूठ है सब। भाई गलत कह रहा, मैं कल चले गया था उनके साथ वो लास्ट पे। यार देखो बात पता क्या है, गुड मॉर्निंग जी, आपका भाई उठ के नहा धो के कपड़े शपड़े पहन के रेडी शेडी हो चुका है। एज यू कैन सी आज मुझे जाना था यूनिवर्सिटी और जाके करवानी थी अपनी इनरोलमेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से हम लोग आज यूनिवर्सिटी नहीं जा सके, प्लान कैंसिल हो गया, प्रोग्राम बढ़ गया। तो आज जो दूसरा काम है वो ये है कि भाई मुझे जाना है मामा के साथ शॉपिंग पे। शॉपिंग मेरी नहीं है भाई, अगर आपको नहीं पता किसकी शॉपिंग है तो भाई पिछला व्लॉग देख लो जाके, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और आपने वैसे भी यार थंबनेल और कैप्शन से देख ही लिया होगा। तो सीन ये है कि यार अभी नाश्ता वाश्ता कुछ भी नहीं किया, भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है, तो अभी नाश्ता भी करना है और देन जाना है शॉपिंग करने के लिए, और यार हमने उस नैन को भी मनाना है। इंशाल्लाह देखते हैं क्या सीन्स होते हैं क्या नहीं, मामा से पूछते हैं और इंशाल्लाह फिर उसको मैनेज करते हैं। लेट सी मामा जान। हाँ जी की आले टीको ना खुश हो। हाँ जी क्या प्लान है आज का? चलें बेटे। कहाँ पे? जे डॉट। किधर? जे डॉट। मुझे लेके दोगी कुछ? आजो इधर आजो, इस साइड आपको कुछ ले दो। क्या लेना है? कोई कपड़े शपड़े, कोई परफ्यूम ले देना, कुछ भी ले देना। चल देखते हैं अभी, तो चल मेरे साथ। हाँ नाश्ता यार पहले दे दो मुझे, आप देखो दोपहर के खाने का टाइम हो रहा है। अलीशान तेनू कौन कहंदा पुत्र, तो दो बजे तक सुता रहो। यार मैं अगर सोया था ना तो मैं सुबह टाइम पे ही उठा हूँ, मैं उठ के एडिट कर रहा था, मैंने वीडियो एडिट की है, पोस्ट की है, थंबनेल अभी बनाना है। यार थंबनेल बना के जाना है। चल जल्दी कर लेना फिर, चलिए पुत्र छेती का टाइम वे तो की हो गया। फिर मैं आगे खाना भी बनाना है। खाके क्या बनाना है? माश की दाल। उए भाई जान मेरी मोस्ट फेवरेट माश की दाल बनेगी। अच्छा तरीका दस्या, नहीं भाई माफी फी मान ला। आप रहने दो, आपने उस दिन आलू मेथी की भी डांडू तार के रख दी थी। आप एक्सपेरिमेंट करने लग गई हैं। आलू मेथी उस दिन आवाजार बनी थी, आपने अंदर पालक घुसा दी उसके। बड़ा मजा आया सी, सच्ची बड़ा ऑफ सीन था। मुझे जरा भी नहीं ठीक लगी वो। तेनु पुत्र बाहर दे चस्के लगे ने, तेनु किथे ठीक लगना सी। तो कल रात को आप भी कह रही थी कि मैं सज्जी खाने चली जाऊं, फिर वो फोन कर दो। ते तू क्यों नहीं कीता? मैं अज जाना हूं अज रात। मोहसिन भाई व्लॉग देखते हैं, कल भी उन्होंने मुझे वो वीडियो ना करके रिकॉर्ड सेंड की थी जितना पार्ट आपका था। बहरहाल यार जूता शूता पहनते हैं फिर मामा के साथ निकलते हैं, मुझे वापिस आके और भी काफी काम है वो भी करने हैं मैंने। यार इंशाल्लाह ताला बस टाइम से हो गया वापस आते, 3 बज गए हैं ना तकरीबन, डेढ़ दो ढाई हो गए तकरीबन। बहरहाल यार हमारा काम कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है अगर मामा ना करें तो। अभी जाते हैं जाके बस चीजें लेनी है, चीजें लेके वापस आ जाना है। तो निकलते हैं, मैं जूता शूता पहन लेता हूँ, आप भी पहनो और निकलते हैं फिर, ठीक है? ओके 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 निकलते हैं। खुल जा सिम सिम, आजो भाई आज तो हम पहनेंगे ये वाला जूता। चलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, दिस इज मी अलीशान खोखर जी। गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल गया होगा आज का व्लॉग किस बारे में और आज के व्लॉग के सीन्स क्या हैं। तो यार हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं जे डॉट, और घर से मामा मुझे ये बोल के लेके आई हैं कि हमने जाना जे डॉट पे, और मामू की तरफ ले गई थी। अब हम लोग वहां से होके आए हैं जी जे डॉट पे। तो यार पहले लेते हैं हम रजब भाई के लिए सूट, ये आगे जेंट साइड, देन लेंगे आंटी के लिए और गजल आपी के लिए। बोस सूट दिखा दें यार, अच्छा सा ब्लैक कलर में चाहिए, ब्लैक के अलावा भी देख लेते हैं। मामा देख रही हैं सूट और वीडियो लाओ नहीं है, मैं उस तरफ कैमरा नहीं कर सकता, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। रजा भाई का सूट ले लिया हमने, अब लेना आंटी का, चलते हैं नीचे। हाँ जी
सही मिल गया, बड़ा अच्छा सूट है, हम मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। कलर भी मेरा और रजबे का फेवरेट है और कपड़ा भी बड़ा ही फिट है भाई। हमें कुछ नहीं मिला, क्या कर सकते हैं अब, जो अल्लाह को मंजूर। चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह जी शॉपिंग हो गई है, मामा से पूछते हैं आप कुछ नहीं बोलेंगी मामा, यही हमें तो 100-200 से ज़्यादा कभी दिए नहीं है मामा ने, मैं मांग लूँ 100-200 से ज़्यादा पैसे नहीं होते और आप पता नहीं कितने लगा दिए हैं। मोहब्बत है मामा की रजब भाई के साथ स्पेशली। वो पता है वो मेरा बेटा है और आप ही लगता नहीं मैनू नहीं खुले पैसे लगा दिए आज आपने। बस मैंने कहा वो ज़्यादतों से आए हैं, ₹200 इससे ज्यादा पैसे होते ही नहीं है और आप खुले ही पैसे लगा दिए। जितने पैसे मामा ने लगाए हैं ना रजब भाई के सूट पे, इतने में मेरे कोई 10-12 सूट आ जाते हैं। ऐसे ही नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है ऐसे। अच्छा हाँ, फिर कैसे है? तुमने शुक्र है गजल आपी का सूट वो भी है, वो पहले ले लिया है, वो मैं पहले ले आई थी जाके। क्या बात है क्या बात है, दो सूट रह गए थे वो ले लिए हमने। और बैग कहाँ पे आपका? तो वो मुझे उसमें से कीज तो दो बाइक की। शॉपिंग डन हो गई है, बस अब घर जाते हैं। अभी डन नहीं हुई, कुछ चीज़ें रहती हैं अभी, वो मैंने जाके लेके आनी है। और मैंने नाश्ता अभी तक नहीं किया और मुझे भूख लगी है शदीद। मास्क दे दे, थैंक यू। क्या खिला रही हैं आप? खिलाओगे? चलो मामा ने पैसे लगा दिए ना, अब रिकवर भी तो करनी है ना। चलो चलो अब करना पड़ेगा। तो यार रोटी छोटी खाने के लिए हम लोग आ चुके हैं ब्रॉडवे पे, चलें? आ जाओ, चलते हैं जी अंदर। चलो भाई देखिए आपने क्या मंगवाना है, जो आपको पसंद है मंगवा लो, मुझे नहीं इसका पता। चलो जी मैंने बस टिकट का पता है। अच्छा ब्रो आप वो दो मीडियम वाली जो डील है ना आपकी वो कर दें। और फ्लेवर कौन कौन से बेस्ट हैं आपके? जो आपके बेस्ट है ना वो दो कर दो आप, क्योंकि मैं आज काफ़ी अर्से के बाद ब्रॉडवे आया हूँ, तो जो बेस्ट है वो कर दें आप। कितनी देर में आ जाएगा ऑर्डर? चलें थैंक यू सो मच, करवा दें आप। तो यार ये खाना शाना आ चुका है, पिज्ज़ा। और यहाँ पे मामा ने वेट ही नहीं किया, स्टार्ट कर दिया फ़ौरन से। मैंने बोला भी ये शॉर्ट बनाने दो, और ये पता नहीं कि आज फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगे हैं। आजो भाई बिस्मिल्लाह, हुए 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 नहायत सो, क्या आप कमाल। कैसे? सुपर हैवी सीन। पाकिस्तान और लाहौर में मिलता है सालन वाला पिज़्ज़ा, ये उससे डिफरेंट है यार, रियली गुड। बाकी प्लेट का हाल देखें, ये देखें उतार उतार के साइड पर ये जा रही है। आप ना जैम और ब्रेड दे देते हैं? नहीं जी सही हिसाब लगाओ यार, ऐसे जैसे अचार के साथ रोटी खा रही हैं। ऐसे ही है, बाकी फूड पैक करवा लिए और निकलते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह ओए दो स्लाइस खाए हैं भाई मैंने, और दो स्लाइस खा गया का भाई फुल हो गया। चले वापस, चलो उठ जाओ। चलो जी आज 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 चलो ये इधर आ गए जी कपड़े, ये आ गया जी हमारा फूड। तो अच्छा यार हम लोग घर आ चुके हैं एज यू कैन सी, तो शॉपिंग डन, नाश्ता भी कर लिया यार, दो स्लाइस खाए आपका भाई फुल हो गया, तो बाकी पैक करवा के घर ले आए हैं। अभी मामा ने 2-3 काम बोले हैं, मेरी जिम्मेदारी लगाई है वो भी करने हैं जी। पहला काम ये है कि यार अभी बता दूं कि नेक्स्ट व्लॉग में बताऊं, बल्कि नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा, पता नहीं वो काम अब होते भी हैं कि नहीं होते, टाइम काफ़ी हो गया है और वो काम हमें टाइमली करने चाहिए थे, अब ज़रा मुश्किल है। 50-50 चांस हैं, देखते हैं अगर हो गए तो कर लेंगे, वरना फिर इंशाल्लाह ताला
जो अल्लाह को मंजूर, देखते हैं भाई। अच्छा यार, तो मामा ने बोला था कि पाए लेके आने हैं जाके। आपके भाई के फोन की बैटरी लो थी, मैं घर पे फोन को रख के मैंने कहा यार जाके पाए ले आते हैं। वैसे भी मैं वहां पे वीडियो कर नहीं सकता था क्योंकि यार मैं छुरी और इस तरह की चीज, ब्लड वगैरह नहीं दिखा सकता वीडियो के अंदर, तो फोन मैं घर ही छोड़ गया था। और मुझे पूरा यकीन था कि पाए नहीं मिलेंगे, क्योंकि यार हम जिस बंदे से पाए लेते हैं ना, उसके अलावा हमें किसी के पाए ठीक लगते ही नहीं। तो सीन इस तरह से है, मुझे आइडिया था पाए जो टाइम हो गया नहीं मिलेंगे, लेकिन मामा की तसल्ली के लिए मुझे जाना पड़ा। जाके पता किया तो पाए खत्म हो चुके थे। लेकिन अब एक और मामा ने काम बोला हुआ है, काम तो मैंने ही सोचा था, लेकिन मामा ने बोला कि उसको भी कॉल करनी है। आ गया जी फोन, फोन कर लेते हैं बंदे को, मामा ने बोला। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक, दुआएं आपकी। जी जी घर पे भी सब ठीक है। अच्छा बोस, सैलड चाहिए, रशियन सैलड, वीआईपी, बल्कि वीवीआईपी। हाँ यार, दो टप करने हैं, जो हम लोग मंगवाते हैं ना वही वाले दो टप करने हैं आपने, और जरा अच्छे से ड्राई फ्रूट डाल के वीआईपी सी बनानी है, बल्कि वीवीआईपी। ओ भाई, जिस बंदे के लिए जा रही है ना वो बंदा बस छोड़ दो आप, हमारे दिल के बड़ा करीब है और माँ जी का हुक्म है, तो जरा आप देख लीजिएगा, वरना आपको पता है फिर माँ जी ने वैसे ही वापस भेज देनी है। 1 किलो घर के लिए कर दें। हाँ ओके ओके, दो टॉप करने हैं, वीआईपी से टॉप हो, पैकिंग भी अच्छी हो। हाँ बेस्ट है भाई, चाहिए तो सुबह लेके जानी है, मैंने जहां पे जाना ना सुबह लेके जानी है, लेकिन आपने मुझे आज ही पहुंचानी है। 7 बज गए हैं यार, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, आज ही भेजनी है आपने, हम उसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लेंगे और सुबह ले जाएंगे हम लोग। ओ भाई जान, सुबह आपने नहीं देनी, मुझे पता है फिल्म हो जाएगी। हाँ अभी चाहिए, अभी घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना बोलोगे वेट कर लेंगे, रात सारी जाग रहे हैं। ओके ओके, इजी सीना भिजवा दो, मैं पैसे आपको अकाउंट में सेंड, पैसे भाई मैं आपको अकाउंट में सेंड करूं, ठीक है? ओके हो गया मेरा भाई, ओके जी, अल्लाह हाफिज। लो जी ये काम भी हो गया, अब एक पशिंदे का वेट कर रहे हैं, वो आता है उससे मिलते हैं और आपको भी मिलवाते हैं। खुल जा सिम सिम, आ जाओ भाई, चलो आ जाओ, इधर आओ भाई, चलो चलो जी आ जाओ। यार ये एक मेहमान आया है, उसके लिए गर्म किया है, यहाँ पे रख देते हैं जी। भाई बाहर आ जाओ, ये खा लो, आ गए ये, मुझे मजा कहाँ ही आए हो आप। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, जो खा गए सारा पता, आप तो पानी भी नहीं पूछते। दरवाजा बंद कर दो, ये क्या, किस लिए? भाई आप नहीं पूछते, क्यों नहीं पूछते यार, खाओ बैठ के, खाना शाना खाओ। समोसा है भाई, नहीं भाई नान समोसा केड़ा होता है, खा लो यार, आपने पूरा खा लोगे तो ठीक है, नहीं तो वो हाफ कर लो। अगी हाफ है, नहीं फुल है ये, एक मिनट गरम है। हाँ इजी हो गए, खाओ आप। भाई ये आ गया फाइनली ये बंदा, कल रात को वो इस नोट आए हैं, बातचीत हुई है सारी, बातचीत ये हुई है कि भाई मैं बस गया था दोस्तों के साथ, तबीयत खराब थी इसकी भी, मैंने आपको बताया व्लॉग के अंदर, आपने तो देखा होगा, इसने अभी तक वो व्लॉग भी नहीं देखा, ठीक है, वो भी पोस्ट हुआ है आज ही, टाइम नहीं ना होता भाई, अफसर बंदा है, एडवोकेट साहब हैं, दोस्त हैं फिर इतने ज्यादा दोस्त हैं उसके, उसने उनको टाइम देना होता है, हम तो पागल ऐसे घर जाके बैठे रहते हैं, हमें कोई काम नहीं है। अल्लाह की कसम यार, कसम बाखुदा इस बंदे को भी पता है मुझे किस किस के मैसेज आते हैं, किस किस की कॉल्स आती हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं, शाह लव है, शाह ही लव रहेगा, लेकिन शाह ने ना नहीं, क्या कह सकते हैं भाई, नहीं यार से कुछ नहीं होता भाई, तुम कसम खाओ, तुमने रिजक आगे रखा है, तुम कसम खा लो, क्या खाऊं कि यार ये झूठ है सब,
तो भाई गलत क्या है ना, मैं कल चले गया था उनके साथ वो लास्ट पे। यार देखो बात पता क्या है, मुझे कोई मसला नहीं, हर इंसान की पर्सनल लाइफ होती है, ये जाए हजार बिस्मिल्लाह जाए, वो भी मेरे भाई हैं, मैं जानता नहीं हूँ किसी को भी, लेकिन इसको चाहिए मुझे बताए, इसने मेरे साथ कमिटमेंट की है, आपने एक रात पहले मेरे साथ कमिटमेंट नहीं की कि मैं आ जाऊंगा इस टाइम पे? आ जाऊंगा, वो नहीं आएगा, वो उसने लंगर पकवा लिया था, तो कहना यार भाईयो भाईयो वो उधर ही आ रहा बाजी है। यार मुझे कोई मसला नहीं है शाह जी, देखो आपका राइट है, आप ही गलत नहीं हो, लेकिन आपको एटलीस्ट मुझे मैसेज करना चाहिए था। मेरा कल का पूरा कंटेंट जो है ना वो यही था कि यार मैंने इसको मनाना है, मामा ने कल आपके सामने बोला है कि मेरे साथ चलो, मैंने उनको इनकार कर दिया, मैं नहीं जा रहा, माँ को इनकार किया मैंने अपनी इस बंदे के लिए, पीछे सारी बातें रह गई यार, बाकी किसको इनकार किया किसको नहीं किया वो सारी बातें पीछे रह जाती हैं। मैंने कल मामा को भी इनकार कर दिया, मैंने कहा मैंने जाना उस नैन के पास, वो बंदा मेरे से नाराज है, कुछ भी था वो गलत फहमियां थी, ये भी बीमार था, मैं भी बीमार था, हम दोनों बीमार हो गए, ना इसको पता ना मुझे पता है, मैं फोन यूज नहीं कर रहा था, इसने मुझे कॉल्स मैसेजेस किए हैं, मैंने आपको बताया वो ठीक है, लेकिन अब सब कुछ आपके सामने स्पीचलेस, मैं खैर शिकवा नहीं कर रहा, कोई मसला नहीं है भाई, है मेरा भाई, मैं आपको बता रहा हूँ मोबाइल भी नहीं थे, ना कोई सिस्टम था, ना मुझे आपका जुबानी नंबर आता था कि मैं आपसे रब्ता कर लूँ, तो मामा ने बताया भाई मैंने ना आपके दोस्त को कॉल की है जो आपके साथ था, आपके घर गया हूँ ना जब, मैंने आंटी से छोटे से नंबर लिया है, मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा यार मेरा उसने आंसर रब्ता करवा दो, मैंने सिर्फ उसको ये पूछना है कब फ्री होगा, क्योंकि कल मैंने आपको मना के फिर घर आना था, आप मुर्शिद हो हमारे, तो मुझे ये था भाई कि आपने कॉल्स किए हैं मैसेजेस किए हैं और मैंने आपके रिप्लाई नहीं किया, वो मामला जो थे डिस्कस करने थे आपसे, लेकिन आपने टाइम ही नहीं दिया, आप रात को 12 बजे 11 बजे मैसेज कर रहे हो यार। वो मैंने मोबाइल ही दरअसल ना आके तब पकड़ा, वो लड़का निकल आया उस दिन जल्दी, वो अपसेट था मैट्रिक दो पे, कहना यार मैं चलना, वो अब दोस्त से लास्ट पेपर था, कहते यार कुछ खा भी लेना, मैं कहा ठीक है, मैंने कहा बढ़िया था, घंटा लग जाएगा डेढ़ लग जाएगा चले जाएंगे, उधर गए हैं वो, अब जबरदस्ती कर ले गया, नहीं शाही खाना पकना है ये है वो है, नहीं नहीं यार तेरा बनता, तेरा लास्ट पेपर था, तेरे वो क्लास फेलोज हैं, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, मैं खुद यूनिवर्सिटी जाता हूँ ना, आप लोग मेरे यूनिवर्सिटी के व्लॉग्स देखोगे, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, लेकिन जिस बंदे का जो मुकाम होता है उसको वो देना चाहिए, बात सिंपल सी है। बहरहाल कोई शिकवा नहीं है यार, भाई है मेरा, गुजारा नहीं है एक दूसरे के बगैर, वो ना मियाँ साहब का एक शेर है, यार यारां दा गिला नहीं करते असल प्रीत जिना दी, लेकिन शिकवा कर लेना चाहिए, जो दिल में बात होती है वो क्लियर हो जाती है, हमने इसके साथ गिला नहीं किया, तू क्यों गया, बस ये इसको बताया कि भाई ये मामला ये निज़ाम है, आपने मुझे कॉल की थी, मैंने अटेंड नहीं की, मैंने उसको सारी सफाई पेश किया, ईच एंड एवरीथिंग डन हो गया, मैंने कहा आपको भी बताना चाहिए, क्योंकि आपने आज का भी लोग देखा है थंबनेल पे भाई की पिक्चर है मेरी और भाई की, जो भी मतलब कि फाइट हुई, जो मामला हुआ वो सारा मैंने डिस्कस किया उसके अंदर, तो कल मैंने आपने देखा भी लोग के अंदर रात 9:30 आई गेस 10 बजे तक इसका वेट किया कि कोई कॉल कोई मैसेज आ जाए, फिर मैं जाऊंगा फैमिली के साथ, लेकिन वो मसरूफ था, जैसे उसने बताया कि मैं लेट आया था, तो वो रबता शाबता नहीं हुआ, अभी वो इतना गर्म हो गया कि उससे खाया नहीं जा रहा, और ये फोक और नाइफ दे दूं, वही कहने लगा था, दे दूं, दे दो, मैं दे देता हूं, मैं यार इसको खाना खिला लूं, ब्रॉडवे आपने देखा था गया था मैं जरा, जब शॉपिंग करने गए हैं तो खाना शाना लेके आए थे, तो इस पता था मुझे ये आ जाएगा, तो आ गया, कल मैं गया था, आज ये आ गया, तो मैंने कहा यार पैक करवा लिया था खाना, वो मैं जब घर आया मैंने ये बॉक्स ही निकाल लिया था, मैंने कहा पिज्जा आप लोग खा लो, लेकिन ये उसने अन खा लेगा, ठीक है, बात चाहत की होती है, खाने पीने की कोई बात नहीं होती, वो बंदा अपने घर से खाता है, मैं भी खाता हूँ, लेकिन बात चाहत की होती है सारी, पता है मुझे सारा पता चल गया शाह जी, सलूट है, मैं नौकर वो, बस मोबाइल नहीं था नहीं तो मैं आपको मैसेज कर देता कि भाईजान ये सिस्टम बन गया। मुझे एक बात बताओ, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इस दुनिया में सबने मरना, सबने आना, सबने जाना, जो आए वो जाएंगे भी, कोई फोत हो जाता है आपकी फैमिली में लगा लो, मेरी में लगा लो, मैं मतलब कि अब बाहर चला गया हूँ, ठीक है, फोन मेरे घर पड़े हैं, पीछे से कोई मर जाता है, मैं 5 घंटे के लिए बाहर हूँ, यार ये नहीं, यार ये एक रियलिटी है, जो आया उसने जाना है, बात तो सिंपल सी है ना, आपको चाहिए आप फोन पास रखो, आप पेपर देने जा रहे हो फोन जमा करवाने का, वहां पे ऑप्शन होता है, आप वहां पे मेरा नाम लेते, जब मैंने आपको बोला कि भाई वहां पे अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, यार उधर भला होता क्या, इतनी ज्यादा बच्चे होते हैं, वाम होते हैं, पूरे पंजाब का वो मेन सेंटर है,
तो उधर होता ये है कि रश भरा होता है, बंदा उधर से निकले इतना पेपर करके थका होता है, उधर घंटा डेढ़ लाइनों में लगो, मोबाइल लो फिर आगे जाओ, वो सिस्टम लंबा हो जाता। चलो भाई मैं आपको पहले देता हूँ, आप खाना शाना खाओ। तो यार सीन इस तरह से है भाई, घर से खाना शाना खाया, खाना शाना खाने के बाद हम आए अपने बहुत ही प्यारे भाई सुफियान साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई की यार बड़ी प्यारी स्टोरी है। मैं थोड़े दिन पहले भी आया था, तो उस दिन मैंने वीडियो नहीं की, तो आज मैंने कहा यार सुफियान भाई को वीडियो में लेके आते हैं। भाई ने स्टडी छोड़ के अपना आइसक्रीम का बिजनेस स्टार्ट किया है, और कितने में दे रहे हैं जरा बताएं आप? 30 का, 30 रुपीज में, 30 रुपए के अंदर आइसक्रीम, यार अनबिलीवेबल। तो भाई का अकाउंट भी है टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे भी, जरा बता दें। टिकटॉक में आइसक्रीम वाला है और यूट्यूब में जो है सुफियान फैमिली। सुफियान फैमिली भाई जान सपोर्ट करो भाई को, और खूब आपने इनको सपोर्ट करना है, इनकी शॉप पे आना है और इनसे आइसक्रीम खानी है। एड्रेस बता दो। नबी हो गया जानी, ये आपने जो है शालमार बाग के अंदर एंटर होना है, ये पूछना है मकबूल जनरल स्टोर, और ये नियर मोहसिन पान शॉप है। अच्छा, बिजली घर में? बिजली घर के पास। ये आगे जी हमारी आइसक्रीम, ये कितने की है? ये अली भाई आपके लिए 200 का, 200 रुपीज़ के अंदर भाई, 200 रुपये के अंदर इतने फ्लेवर, क्या बात है। ये लो शाहजी, हटता हूँ मैं भी, खाओ आप। मोहब्बत है आपकी, 200 मोहब्बत है आपके लिए, ये बिल्कुल मोहब्बत है आपकी। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको पैसे दे के जाऊँगा, ऐसे मैंने नहीं खानी, फिर मैं अगली बार नहीं आऊँगा ऐसे। हाँ जी कैसी है, मुफ्त की चीज़ मजे की होती है। कमजोरी हुई है? नहीं बाप। बिस्मिल्लाह जी, यार जबरदस्त शादी, 30 रुपए दी सारी। नहीं नहीं 30 का एक स्कूप, ये साथी बेहतरीन है। एक जड़ी है ना 100 रुपए दिया है एक बोल, इतने की है भाई हर जगह पे, ऐसे ही है बेहतरीन है यार जबरदस्त। तो यार मेरे और उस नैन के जो मामला थे सब क्लियर हो चुके हैं, आपने देखा और सुना भी है। दोस्तों की यार आपस में क्या ही लड़ाई हो सकती है, भाई है वो मेरा, बस कुछ मामला थे वो हमने डिस्कस कर लिए, इजी सीन अल्हम्दुलिल्लाह। तो बियर्ड शेड सेट करवा के आपका भाई घर आ चुके हैं, बस अभी शावर लेते हैं यार, और ये जो बाल लगे ना आवाज आ रही हो रही है। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। तब तक पीस आउट, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।